नमस्कार, मैं राघव जैन आपका स्वागत करता हूं आज शाम प्लस के खास बुलेटिन एक्सप्रेस प्लस में। पंजाब में कोरोना कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन में 18 मरीजों की मौत हो चुकी है और संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस पर बात करने से पहले आइए नजर मार लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अयोध्या में पीएम मोदी देखेंगे त्रेता युग जैसी तस्वीरें। रामायणकालीन प्रसंगों की आकृतियों से सजाई जा रही है रामनगरी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आने से पहले अयोध्या को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर तरफ बहुरंगी छटा बिखरे जाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कोरोना से मौतों के मामले 5वें नंबर पर भारत। कोविड केस 16 लाख के पार। आपको बता दें कि मौतों का आंकड़ा इतना अधिक हो गया है कि भारत इटली को पीछे छोड़ 5वें नंबर पर पहुंच गया है। देश में 70% लोग बेरोजगार। आम आदमी का वित्तीय संकट। आपको बता दें कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सर्वे में देश में रोजगार के मोर्चे पर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। सर्वे के मुताबिक देश में 2/3 से ज्यादा लोगों का रोजगार खत्म हो गया है और वो बेरोजगार हो गए हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। कई जगहों पर टूटा रिंग बांध। NH-77 पर पानी का दबाव। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बूढ़ी गंडक का रिंग बांध टूटने से मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मार्ग का खतरा बना हुआ। पंजाब में दुकानदारों ने अगर किया कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो 2-3 दिन तक बंद रहेगी दुकान। अगर फिर भी दुकानदार नहीं मानते तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी। चंडीगढ़ में हुई मिनी रैली का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के भगवंत मान सहित हरपाल चीमा और अन्य नेता द्वारा बिना शारीरिक दूरी बनाए 13 जुलाई को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और मिनी रैली का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। प्लाज्मा की खरीद बिक्री पर रोक, अब मुफ्त मिलेगा। प्राइवेट अस्पताल भी नहीं लेंगे चार्ज। कोविड के फैलाव और मौतों की दर बढ़ने के चलते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में सभी जरूरतमंदों को प्लाज्मा मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। पंजाब में अनलॉक 3 में सरकार ने छूट को लेकर जिलों से मांगे सुझाव। जिम खोलेंगे या नहीं DC करेंगे तय। आपको बता दें कि केंद्र द्वारा अनलॉक 3 के लिए जारी गाइडलाइंस को लागू करवाने के लिए CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी जिलों के DC से एक हफ्ते में सुझाव मांगे हैं। पंजाब सरकार द्वारा खर्च कम करने और घाटे में चल रहे बोर्ड और निगमों का करवाएगी रिव्यू। पंजाब सरकार दिनों हर तरफ से पैसे बचाने में जुटी हुई है, इसके लिए विभागों के खर्च को कम किया जा रहा है। होशियारपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में पानी निकालने गया 27 साल का प्लम्बर करंट की चपेट में आया। डॉक्टरों को काटने पड़े बाजू और पैर की उंगलियां। इस मामले को लेकर थाना हरियाणा में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ धारा 337 और धारा 338 के तहत मामला दर्ज किया गया। गूगल और फेसबुक को खबरों के लिए ऑस्ट्रेलिया मीडिया को करना होगा भुगतान। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दिया आदेश। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फेसबुक और गूगल को समाचार लेखों से पैदा होने वाले रेवेन्यू को साझा करने के आदेश दिए। ब्लैक लिस्ट के डर से पाकिस्तान ने आतंकवादी रोध कानून में किया बदलाव। कहा अब भारत नहीं कर पाएगा बैन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा ब्लैक लिस्ट के जाने के डर से पाकिस्तान ने गुरुवार को आतंकरोधी कानून में संशोधन किया है। सुशांत सिंह राजपूत के ट्रेनर ने किया खुलासा। बताया रिया चक्रवर्ती को डेट करने के बाद एक्टर के व्यवहार में दिखा था काफी बदलाव। ले रहे थे रहस्यमयी दवाइयां। मॉडल और एक्ट्रेस नताशा बनी माँ। उन्होंने बेटे को दिया जन्म। नताशा और भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का पहला बच्चा है। नताशा के मां की खबर मिलने के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने उनको दी बधाई। सिद्धार्थ मल्होत्रा को याद आए अपने कॉलेज डेज। बोले नहीं भूल सकता वो दिन। आपको बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाल ही में अपनी थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है और अपने कॉलेज के दिनों को याद किया है। सिद्धार्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज से पढ़ाई कर चुके हैं। पंजाब में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हो गई। इस दौरान राज्य में कोरोना के 522 नए मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 382 हो गई। राज्य में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 15,622 हो गई है। इनमें से 10,509 मरीज ठीक होकर घर को गए। 24 घंटे के दौरान राज्य में 296 मरीज स्वस्थ होकर घर में लौटे हैं। लुधियाना में सबसे ज़्यादा 7 मौतें हुई। सबसे अगर आंकड़ों की बात करें तो लुधियाना में 157 केस आए हैं, जबकि फिरोजपुर और अमृतसर में 67 केस आए हैं। जलंधर में 63, पटियाला में 25, फरीदकोट में 23, मोहाली में 20 केस आए हैं और आपको बता दें कि बाकी जिलों में भी केस आए हैं। संगरूर थाना सिटी के SHO समेत 9 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए। आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना वायरस की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेके। तब तक के लिए देखते रहे आज शाम प्लस। हमारी खबरों के अपडेट पढ़ने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट
www.aajshamplus.com। आप चाहें तो हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पर उपलब्ध है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट कर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन दबा दें और बगल में दी घंटी बजा दें। धन्यवाद।